नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत नेशनल हाईवे टोल प्लाजा की, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहां पर वाहन हैं वो यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक टोल को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, जितने भी टोल कर्मी हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी तरीके से कलेक्शन यहाँ पर नहीं की जा रही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर जो किसान है वो पहुँचे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कुंडली बॉर्डर पर जो है 26 नवंबर से ये काफिला शुरू होता है आना दिल्ली, और उसके बाद 27 नवंबर को कुंडली बॉर्डर पर ही किसानों ने बैठने का वहाँ पर फैसला लिया, और उसके बाद लगातार 2 हफ्ते हो चुके हैं, लगातार बैठकों पर बैठकें की जा रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके का नतीजा अब तक सरकार की तरफ से दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन किसान जो है अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं, किसान लगातार बहुत कुछ कर रहे हैं जिसके बाद इस आंदोलन को और बड़ा बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ना केवल पंजाब, ना केवल हरियाणा, बल्कि हर राज्य से इस आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन देश का है, और इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो इतने शांतिपूर्वक तरीके से इतने दिनों से चल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये टोल भी जब फ्री करवाया गया यहाँ, ये भी शांतिपूर्वक तरीके से फ्री करवाया गया, ना यहाँ पर किसी जो है टोल कर्मी को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, ना ही अब तक किसी आम जन को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। और सभी के सभी यहाँ पर देखिए, अब जो है गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी 6 व्हीलर, जितनी भी 8 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं, वो हमेशा जब भी यहाँ से निकलती हैं तो काफ़ी एक बड़ा जो अमाउंट का टोल है वो यहाँ पर देकर निकलती हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, और किसी भी तरीके का टोल किसी को भी देना नहीं पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ट्रक हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, और किसी भी तरीके का टोल यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। कुछ किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। देखिए, जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग इस आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कल रात को 12 बजे ही ये टोल, हालांकि सुबह जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 12 दिसंबर को सुबह यहाँ पर टोल बिल्कुल आज पूरे के पूरे दिन के लिए मुफ्त कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों से रुका नहीं गया। और वो कल रात ही, हालांकि कल रात को बहुत ठंड थी, कल रात को बारिश आ रही थी, लेकिन उसके बाद ही कल 12 बजे से यहाँ पर टोल बंद कर दिया गया। हालांकि सुबह ये बताया जा रहा था कि टोल जो है फिर से उसकी कलेक्शन शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अब देखिए सारा दिन यहाँ पर किसान मौजूद रहेंगे ताकि फिर से यहाँ पर टोल के जो कलेक्शन है वो शुरू ना हो जाए। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? हम पानीपत से हैं जी। हमने यहाँ जो आज भारत बंद का आह्वान है टोल प्लाजा फ्री का, उसके लिए हम आए हैं। इन लोगों ने टोल वसूल शुरू कर दिया था, लेकिन हमने इकट्ठे होकर के इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भाई आज इसमें सहयोग करें। यहाँ का जो टोल मैनेजर, उसने आश्वासन दिया हम आपके साथ हैं, टोल फ्री रखें। क्या नाम है आपका, किस तरीके से आप इस आंदोलन में जुड़े हैं? मेरा नाम कुलदीप राठी है जी। मैं यहाँ पानीपत का रहने वाला हूँ, और किसानों की जो समस्या, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से हूँ, जो किसानों के साथ हमारी पार्टी साथ में खड़ी है, और हमने इन किसानों के साथ आए हुए हैं, इनका समर्थन कर रखा है। तो तमाम तरह के आप लोग देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, कुलदीप जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हैं, और कुलदीप जी हैं हमारे साथ। और यहाँ पर तमाम आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए जो है हज़ारों की संख्या में, जिस तरीके से हम हर जगह देख रहे हैं कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को जगाया जा सके, सरकार को ये याद दिलाया जा सके कि हमारी ताकत क्या है, इस देश में किसान की ताकत क्या है, इस देश के अन्नदाता की ताकत क्या है। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवीण है, और इस किसान आंदोलन में जो आज यह गूंगी बहरी सरकार जिस प्रकार से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग व्यक्ति, युवा साथी सब आंदोलन कर रहे हैं, और इस गूंगी बहरी सरकार को समझ में नहीं आ रहा, इनको ये नहीं पता किसान की जीत होगी, किसान ही जीतेगा, इस सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को किसान के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि किसान की ताकत से सरकार के नेता बने होते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और इस प्रधानमंत्री को इतना ज्ञान नहीं, अगर जो किसान के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, किसान तुझे रोड पे चला देगा जी। हाँ,
तो ये देखिए, ये भी नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और किसानों की जरूर जीत होगी और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना जरूर पड़ेगा। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? ये किसान आंदोलन बेटे सरकार की एक मनसा थी, सोची समझी साल थी। पहले भी सरकार आई और 50 साल से ये कानून और ये सारा सौदा मंडिया ऐसे की ऐसी सत्य थी, और मंडी के बगैर किसान का काम नहीं चलता, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता आपको वो अपनी फसल उगा सके। उसको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और उसके सहारे से बेटे हम अपना गुजारा कर रहे। छोटे छोटे किसान हो गए, डेढ़ डेढ़ दो दो एकड़ के किसान हैं, फसलों के भाव कमज़ोर हो रहे हैं और मजदूरी ज़्यादा बढ़ रही है। किसान बेटे इस टाइम आज के युग में घाटे का सौदा हो रहा है, और जितने ये पार्लियामेंट में मेंबर हैं, विधानसभा में MP MLA है, ये अपनी तनख्वाह को 50 गुना बढ़ा लेते हैं, लेकिन किसान की फसल का कोई भाव नहीं। तो पहले आप देख सकते हैं कि जब पहले ही जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था औरतें इतना साथ में नहीं थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं तमाम तमाम जगहों से, तमाम तमाम पार्टी से जो औरतें हैं वो इसमें समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। और अब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पानीपत नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर औरतें पहुंची हुई है, और मैं आपको बता दूं स्कूटी बाइकों पर भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ना केवल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जिसको जैसे भी जो है साधन मिलता है वो वैसे ही इस आंदोलन में लगातार समर्थन दे रहा है। और अब आप देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के ये लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं तमाम तरीके से लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो है कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक टोल बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है, और अब हर तरीके से किसानों को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी पानीपत की ओर से ही औरतें यहां पर पहुंची हुई हैं इन आदमियों के साथ, और इनका क्या कुछ कहना है, इनसे जाने के क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आज यहां पर आए हैं? आज हम लोग जो है किसान आंदोलन जो चला हुआ है इसके खिलाफ तीन काले जो अध्यादेश है तो उसी के संदर्भ में, उसी को लेकर के आज जनवादी महिला समिति किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होती है, और इसी के साथ साथ टोल फ्री, रिलायंस, अंबानी, अडानी जैसे जो पूंजीपति वर्ग हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं। उनके द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पंप हो, चाहे जियो वियो की सिम हो, जिस तरह से इन्होंने एजेंडा चला करके सरकार स्कीमों को फ्लॉप किया, सिम को फ्लॉप किया और जियो आई है उसी के जी। तो इनका कहना है कि जितने भी अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों हैं उनका ये बहिष्कार करते हैं, और यहाँ पर टोल प्लाजा जिस तरीके से आज मुफ्त किया गया है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और किसानों को समर्थन देने के लिए आज ये सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं औरतें हों या पुरुष, हर कोई इस आंदोलन में लगातार समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये पानीपत नेशनल हाईवे टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अमूमन आपने देखा हुआ है कि किस तरीके से टोल कटवाते हुए यहाँ पर जो भारी वाहन है, जो 4-व्हीलर गाड़ियां हैं, जो 6-व्हीलर गाड़ियां हैं, जो 8-व्हीलर गाड़ियां हैं वो यहां पर टोल कटवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज यहां पर कल रात 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक टोल जो है बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस वजह से आज आप समर्थन देने यहां पर पहुंचे हुए हैं? ये जो केंद्र सरकार है ना, तीन काले कानून जो किसानों पे थोपे गए हैं और किसान सड़कों में बैठे हैं 16 दिन से, ये एक धर्मिता जो सरकार ने दिखाई है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो किसान और सभी संगठन है ना यहाँ आंदोलन करेंगे, और सरकार के खिलाफ है ना रोष के साथ है ना अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तो सर का यही कहना है कि जब तक सरकार इन तीन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक ये इसी तरीके से रोष प्रदर्शन जताते रहेंगे, तब तक ये इस तरीके से जो है समर्थन देते रहेंगे और सरकार का लगातार विरोध करते रहेंगे कि इन काले कानूनों को वापस लें, क्योंकि लोगों का यही कहना है, किसानों का यही कहना है कि जो ये तीन काले कानून है, तीन कानूनों को वो काले कानून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान इन कानूनों को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सरकार है वो अपने फैसले पर अड़ी हुई है। सरकार तस्से मस नहीं होना चाहती और ना ही किसान इस आंदोलन को रोकने का नाम ले रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं ये हमारे देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन होगा
जो कि इतने शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, ना ही किसी आम जन को कोई भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ना ही किसी पुलिसकर्मी को अब तक किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, हर राज्य से लगातार जो किसान हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ किसान हैं जो ट्रैक्टर पर पहुंचे हुए हैं। सर, कहाँ से आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मेहता रोड खजाले से पीलोवाल से आए हैं। पीलोवाल हम अभी जा रहे हैं, किसान आंदोलन में जा रहे हैं। अभी हम दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर बंद करने के लिए जा रहे हैं, मोदी का स्यापा करने के लिए। तो ये देखिए, तमाम राज्यों से यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिल्ली जाने के लिए पहुँचे हुए, और दिल्ली मैं आपको बता दूँ, पूर्ण रूप से जो दिल्ली है उसकी सीमाओं को घेर लिया गया है। दिल्ली की बॉर्डर्स को इस वक्त घेर लिया गया है। तमाम जितने भी किसान हैं, मैं आपको बता दूँ, पहले से ही लाखों की संख्या में वहाँ पर किसान पिछले 15-20 दिनों से डटे हुए हैं, और अब भी किसान जो है लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। हर राज्य से समर्थन मिल रहा है, बल्कि मैं ये तो कहूंगी कि पूरे के पूरे देश में से इस वक्त किसानों को समर्थन मिल रहा है, और यह आंदोलन आगे चल के क्या कुछ रूप लेगा, पल पल की खबर IBN 24 आपको इसी तरीके से दिखाता रहेगा। तब तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं महक शर्मा आप सभी के साथ अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ पानीपत टोल प्लाजा से आप सभी के साथ लाइव इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा।